हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज मनीष कुमार सिवेरे। वेलकम टू द अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। सो लेट्स क्रैक गेट एंड एसी एग्जाम विद दिस प्लेटफॉर्म। इट्स मी हु हैव 9 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, स्पेशली इन थर्मल इंजीनियरिंग। आई एम ऑल्सो परसुइंग माई PhD फ्रॉम DTU दिल्ली सिंस 2018। I have done my M.Tech from NIT Hamirpur in 2011 in computational fluid dynamics and heat transfer, and I have done my B.Tech in mechanical engineering, and 2 times I scored GATE in 2009 and in 2014. So this is app icon of Unacademy learning app, India's largest platform. Okay, so download this app, go to your Play Store and Apple Store and download this app. What you will get here, आपको यहाँ देखो क्या मिलने वाला है। डेली लाइव क्लासेस विल बी देयर एंड यू कैन ऑल्सो चैट विद योर एजुकेटर, जिससे कि क्या फायदा है, इंगेजमेंट बेटर होगा और डाउट सारे क्लियर होते चलेंगे, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन पोल, क्विजेस भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, क्विजेस आर ऑल्सो हेयर, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ ओके। एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज आ रहे हैं, सो दैट आपका ना सब्जेक्ट जो है, पहली बात तो सारा क्लियर सिलेबस कंप्लीट होगा, दूसरी बात जो सब्जेक्ट चलेंगे वो अकॉर्डिंग टू प्लान चलेंगे, पहले बेसिक्स फिर एडवांस, सो दैट यहाँ पे प्लानिंग आपको प्लेटफॉर्म से होके मिलने वाली है। क्लियर है, कंसीडरिंग इट नाउ। हम बात करते हैं अनलिमिटेड एक्सेस की। इसका मतलब अनलिमिटेड एक्सेस मतलब यू कैन एक्सेस अनलिमिटेड वीडियो ऑन सिंगल सब्सक्रिप्शन, ओके। सो दैट अगर आपने कोई लाइव सेशन मिस कर दिया है तो यू कैन एक्सेस आफ्टर लाइव सेशन, यू कैन एक्सेस एज अ रिकॉर्डेड सेशन, ओके। और कितने बार भी आप उसे देख सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है यहाँ पे। और बात करते हैं इंडियाज टॉप एजुकेटर्स की, तो इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर एवरी ब्रांच एवरी सब्जेक्ट आर देयर, ओके। नाउ बैचेस की बात करते हैं तो लॉट्स ऑफ कोर्सेज आर ऑलरेडी गोइंग हियर, 38 कोर्सेज फॉर मैथ बीटेक, 24 कोर्सेज फॉर मैकेनिकल ओनली, 7 कोर्सेज फॉर जनरल एप्टीट्यूड एंड 1 कोर्सेज फॉर आपका मैथमेटिक्स। सो लॉट्स ऑफ कोर्सेज आर हेयर विच इज ऑलरेडी गोइंग हेयर, तो मतलब आपको ऑप्शन बहुत मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक एजुकेटर मिलेगा, देर विल बी मल्टीपल एजुकेटर, और जहां आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है आप वहां जा सकते हैं। नाउ सपोज दैट इफ यू आर प्लानिंग फॉर गेट 21, जैसे कुछ लोग बीटेक फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड दे आर लुकिंग फॉर गेट 21, सो दैट आई विल सजेस्ट गो विद दिस प्लान 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, एंड इसकी फीस कितनी, 25,000, एंड दिस इज मेंटर कोड। जैसे कि आपको पता है कि मेंटर कोड यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पे भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये फीस कितनी हो जाएगी, 22,000, 22,500 रुपये। अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो ये 2,000 से भी कम है, कितने, 2,000 से भी कम। अब आप लोगों की सर ये 12 महीने का क्यों ले, गेट तो आपका 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन गेट का एग्जाम की बात, ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन आपकी रुक जाएगी, उसके बाद भी कई सारे एग्जाम होते रहते हैं, सो दैट प्रिपरेशन फुल मोड में चलनी चाहिए, ओके। नाउ कुछ स्टूडेंट्स, जैसे कि हम यहाँ न्यू ग्रुप की बात करते हैं, और न्यू ग्रुप में जो मोस्टली स्टूडेंट हैं वो आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के हैं, ये प्री फाइनल ईयर के हैं, जिसकी जो किसकी बात करते हैं, गेट 22 गेट 23 की बात करते हैं, सो दैट उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लान है आपका 24 मंथ पैकेज का, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। इसकी फीस कितनी है, 50,000 नहीं है, इसकी फीस ओनली 30,000, एंड अगेन सेम, अगर इतना सस्ता होने के बावजूद अगर आप मेंटर कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, और ये फीस हो जाएगी 27,000। क्लियर, ये जो 27,000 है अगर आप मंथली बात करेंगे तो ये 1,125 रुपये, 1,125 रुपीज ओनली पर मंथ, तो आई थिंक इट्स अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, सो गो विद योर प्लान, ओके। एंड रिमेंबर वन थिंग, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, इवन इसमें सारे टैक्सेस इंक्लूड है, फिर अगर आपने 27,000 पे किया हुआ है तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं देना 24 महीने तक, ना आपको कोई क्विजेस के एक्स्ट्रा पैसे, ना टैक्स, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन 27,000। क्लियर, तो आई थिंक डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट चांस फॉर गेट एंड ESE ऑन दिस नॉमिनल कॉस्ट, वेरी नॉमिनल कॉस्ट एक्चुअली, ओके। सो जैसा कि हमें पता है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टुडे वी विल डिस्कस ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
तो अभी कोर्स तो लगभग बहुत मोस्टली आपका जो थर्मोडायनेमिक्स का था, जो रेगुलर स्टूडेंट उनको पता होगा, जो हमारा ऑलरेडी न्यू ग्रुप में जो कोर्सेस चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स का, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड, ज़्यादातर उसमें से टॉपिक क्या हो चुके, कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अब ये सब चलता रहेगा, बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, स्पेशल सेशन करेंगे और आपका रैपिड सेशन करेंगे, जैसा कि आपका कल मॉर्निंग में 11 बजे से आपका मैराथन सेशन है, ठीक है ना। तो ये सब सेशन करने से क्या होता है कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, या आपका कुछ कुछ पार्ट जैसे छूट गया है, तो ये सब सेशन करने से, अटेंड करने से क्या होता है कि इन शॉर्ट टाइम आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता है, रिवीजन बहुत अच्छा होता है और प्रैक्टिस भी बहुत बेहतर होती है, क्योंकि आपका वो क्वेश्चन हम यहाँ पे कराते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके होते हैं, सो दैट आपको एक ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो जैसे न्यू ग्रुप में मोस्टली स्टूडेंट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट के हैं, जिन्होंने अभी अभी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट किए, माहौल बनाना चालू किया है, तो उनको सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन में मतलब टाइम कितना लग सकता है आपको, ठीक है ना, नोट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं, ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी जब आप क्विजेज वगैरह को अटेंड करोगे। क्लियर है? तो आई थिंक एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सो दैट आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करने वाले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट एंड ईएससी। ओके, गेट एंड ईएससी किस चैप्टर से, आज हम करने वाले हैं बेसिक इंट्रो और जीरोथ लॉ से बस, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अगर बेसिक इंट्रोडक्शन और जीरोथ लॉ में, तो इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और न्यूमेरिकली पार्ट थोड़ा सा कम, एंट्रोपी एक चैप्टर होता है, एंट्रोपी से न्यूमेरिकल पार्ट बहुत आता है, ठीक है ना। सो दैट इसका आपका क्या है, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करेंगे वेटेज की बात करते हैं, तो यहाँ से आपका थ्योरेटिकल का वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन ही आ गया, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो ये क्वेश्चन आया गेट 2011 में, अब देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पढ़ के गए हैं सो दैट इट विल टेक्स ओनली 15 सेकेंड, ये 15 सेकेंड में क्वेश्चन होने वाला है। ओके, ये क्वेश्चन आपका, तो ऐसे क्वेश्चन तो मतलब आपका टाइम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है ना, वो जो टाइम आपका न्यूमेरिकल में ज्यादा जाके एक्सपेंड होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इसको, देखो क्वेश्चन क्या है, हीट एंड वर्क आर, हीट एंड वर्क आर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हमको पहले ही पता है कि जो हीट होता है और वर्क होता है, ये इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की बात की हमने, ठीक है ना। तो एनर्जी हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, और ये बाउंड्री फिनोमिना होता है, ये क्या होता है, बाउंड्री फिनोमिना होता है। जैसे कि हम बात करते हैं बाउंड्री फिनोमिना क्या होता है, एक्चुअली बाउंड्री फिनोमिना क्या होता है, विच क्रॉसेस द बाउंड्री, विच क्रॉसेस द बाउंड्री, जो बाउंड्री को क्रॉस करता है। तो हमने बोला सपोज दैट ये आपको कोई सिस्टम है, ये आपने बोला ये हमारा सिस्टम है, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही इंट्रैक्शन होता है, सराउंडिंग के बाहर कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। तो आपने बोला ये हमने वर्क किया और ये हमारे साथ इसमें क्या हुआ, हीट इंट्रैक्शन हो गया। तो हमने पूछा हीट एंड वर्क आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो पहली बात तो ये प्रॉपर्टी ही नहीं है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी थोड़ा है, ये सिस्टम के बाहर से आ रहा है और सिस्टम के बाहर जा रहा है, मतलब इट इज़ अ बाउंड्री फिनोमिना विच इंटरेक्ट विद द बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, वर्क एंड हीट इज द बाउंड्री फिनोमिना विच इंटरेक्ट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहले तो ये दोनों गलत होगा, उसके बाद कहता है क्या ये पॉइंट फंक्शन है, नहीं, पॉइंट फंक्शन आर प्रॉपर्टीज, पॉइंट फंक्शन आर प्रॉपर्टीज, तो ये भी गलत हो गया। क्या ये पाथ फंक्शन है, एग्जैक्टली ये आपका पाथ फंक्शन है, सो डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप तुरंत पूछिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पढ़िए आप, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, रिमेंबर वन थिंग, इस क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ओके, तो इंटरनल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी हमने क्या बताया था, हमने बताया था अगर आपको याद हो, हमने बताया था जो इंटरनल एनर्जी होता है उसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज अ काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, ये क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, इट इज अ काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब स्टोर्ड एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी भी क्या होती है, दो तरीके की होती है, एक आपका स्टोर्ड एनर्जी होता है जैसे कि आपके बात करेंगे मॉलिक्यूल्स, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एनर्जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एनर्जी, रिमेंबर दिस पॉइंट, मॉलिक्यूलर एनर्जी मतलब
अब इससे पूछा जाएगा कि इसके ये जो मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या इसमें काइनेटिक होती है? यस, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है, इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। लेकिन ये मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्यों? क्योंकि देखो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पार्टिकल है, तो इट हैज सम पोटेंशियल है, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू सम सरफेस, तो पोटेंशियल आपकी एनर्जी आ गया। लेकिन वो जो पार्टिकल्स है वो क्या करते रहते, कंटिन्यूसली वाइब्रेट भी करते रहते हैं, तो वहां पे क्या जाएगा आपका मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। क्लियर है? सो दैट एट द एंड हम बात करते हैं अगर इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तो ये क्या मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है? तो देखो इंटरनल एनर्जी इज द मॉलिक्यूलर एनर्जी, सो दैट इट डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा, तभी आपका काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसी से आपका क्या जाएगा, बॉन्ड्स वगैरह आएंगे तो फोर्सेस वगैरह लगेंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगा, डिग्री ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो ये सारा क्या है आपका मॉलिक्यूलर एनर्जी, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज की बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा है। सो दैट ऑल पार्ट्स विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसमें ऑप्शन क्या होगा, 1, 2, 3, लास्ट पार्ट विल बी द आंसर, लास्ट पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखो मैं इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, बीच बीच में क्वेश्चन चलता रहेगा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये आपका डिस्कशन सेशन है। जैसे कुछ लोगों को डिस्कशन सेशन बाद में दिक्कत होता है, मतलब बाद में कुछ क्वेश्चन अराइज करते हैं या इधर उधर से, तो हम कई बार बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप किसमें डिस्कशन सेशन में करें, सो दैट क्या होता है इंगेज, मतलब क्लियरली सारी चीज़ें डिस्कस होती है। नाउ दिस वन इज अनदर क्वेश्चन, ये देखो आपका स्मार्ट आंसर, स्मार्ट आंसर, आप यहाँ पे ऐसे 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 कर देखना मत इसको आंसर को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आंसर देखो क्या होगा, आपने बोला कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, इसमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है, ये देखो कब आया है, ईएसी 2016, मतलब रिसेंटली आया है, 2016 रिसेंटली कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, तो अभी तीन चार साल ही हुआ, चार साल हुआ, सो दैट ये रिसेंटली है, ठीक है ना, पुराना होता है जब 15,000 पुराना। तो कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, अब देखो क्या है, फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, देखो आपने स्प्रिंग लिखा है, स्प्रिंग वो वाली नहीं लिखा है जो आप मतलब जो आप नॉर्मली देखते हो स्प्रिंग, ठीक है ना, कैसी भी स्प्रिंग ले आओ, है ना, ये बाइंडिंग जो करते हैं ना वो वाली स्प्रिंग ले आओ, वो सब स्प्रिंग नहीं है। स्प्रिंग मतलब मैकेनिकल स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल स्प्रिंग की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज होती है, उसकी यही एक सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे और जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो इट विल रीच इट्स ओन पोजीशन, ये इसकी अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा अगर आपने इस पे किसी पे वर्क किया है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमने किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड किया और जैसे ही छोड़ा तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ये कैसा हो गया आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ओके। यहाँ पे आपसे इरिवर्सिबल पूछा गया था, तो फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल, सेकंड वन इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, तो ऑब्वियसली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब किसी मटेरियल को हमने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर दिया, उसका मतलब कि अब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाएगा मतलब क्या है कि अगर उसको वापस भेजना है तो देयर विल बी सम एक्सटर्नल मीन, और एक्सटर्नल मीन जब हो जाता है मतलब सराउंडिंग इफेक्ट हो रहा है टू रीच इट्स इनिशियल पोजीशन। भाई अगर आपने प्रोसेस वन से टू कर दिया और टू से वन जाने की जब हम बात कर रहे हैं, अगर हमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ जाए, इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल एग्जिबिटिंग हिस्टेरेसिस, तो ये जहाँ भी हिस्टेरेसिस आ जाता है तो ये एक तरीके का लॉस ही होता है, और लॉस आ गया तो आपका क्या होगा, इरिवर्सिबल हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट वन इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, अच्छा इरिवर्सिबल पूछा, तो सेकेंड एंड थर्ड इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो सी पार्ट हमने पहले देख लिया था नीचे से, ठीक है ना, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके क्लियर है। ये आपका ईएससी 2016 में आया था, ओके। नाउ अब बात करते हैं एन आइडियल गैस, देखो आइडियल गैस लिया है, आज के सेशन में हम हर एक चीज को डिस्कस करते चलेंगे जितना हमें दिखता जाएगा, ठीक है ना। आइडियल गैस क्या होता है, जरूरी नहीं हम सिर्फ क्वेश्चन करें, कई सारी चीज़ें और भी ले लेंगे। तो आइडियल गैस हमने बोला कि आइडियल गैस क्या होता है, तो आइडियल गैस आपका क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ एजम्पशन होते हैं, ठीक है ना। पहला एजम्पशन होता है आइडियल गैस का कि इसमें जो मॉलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स होते हैं, मॉलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स एक्स एक्स करके, ये आप क्या होता है, नेग्लिजिबल जीरो होता है। क्यों,
मतलब हमने बोल दिया कि जीरो होता है, ठीक है ना। सेकंड आपने बोला कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, मॉलिक्यूल्स ठीक है ना, इसका जो वॉल्यूम होता है ये नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ये आपका, अब ये बताओ सपोज दैट ये रूम है, इस रूम में हम गिन के अगर 20 पार्टिकल छोड़ दें किसी गैस के, एक सपोज दैट कर लो, तो क्या वो 20 पार्टिकल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे क्या वो इस रूम के साइज के कंपैरिजन में होगा? नहीं, मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा होता है कि अगर आप 20-25 पार्टिकल छोड़ देते हो तो उसका साइज क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो वही लिखा है कि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू सिस्टम का वॉल्यूम, जो आपको इस रूम में सिस्टम का वॉल्यूम दे रखा है उसके नेग्लिजिबल है। दूसरी चीज़ आप बोलते हो कि जब इतने दूर दूर पार्टिकल हो गए, अब 20-25 पार्टिकल एक रूम में छोड़ दोगे तो पार्टिकल के बीच में कुछ फोर्स थोड़ा रह जाएगा, तो ये दोनों कंडीशन है ठीक है ना आइडियल गैस की। और ये कब ऑकर करती है, ये ऑकर करती है एट आपका प्रेशर कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, वेरी लो प्रेशर, और आपका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी हाई, क्लियर है। तो ये आपकी आइडियल गैस की कंडीशन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एन आइडियल गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड हीटेड कॉन्स्टेंट प्रेशर टिल द वॉल्यूम बिकम थ्राइस द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, तो आपने बोला आइडियल गैस के लिए हमने इक्वेशन लगा दी पीवी इज इक्वल टू एम आर टी या पीवी इज इक्वल टू आर टी, आपने बोला ये इक्वेशन लगा दी ठीक है ना। आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर नहीं प्रेशर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और इसको हमने क्या किया, टिल द वॉल्यूम बिकम्स थ्राइस। अब आपने अगर सोचो ये वी वन है तो आपने थ्री वी कर दिया, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, थ्री टी हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। तो आपका टेम्परेचर कितना था, 27, तो 27 का थ्राइस नहीं करना। यहाँ पे अगर हम टी की बात करेंगे तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब आपका 300 केल्विन आ गया आंसर, ठीक है ना। तो जब ये थ्राइस करेंगे तो 900 केल्विन आएगा। अब जैसे ही आप 900 लिखोगे, अगर आपने केल्विन यूनिट की हैबिट्स नहीं है तो आपको लगेगा आंसर बी है और आपको मिलेगा -0.33 मार्क्स, ऐसे ही होता है ना, माइनस नेगेटिव मार्किंग। ये आंसर नहीं है, ये केल्विन में यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में लिखे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 900-273 इज इक्वल टू 627 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर विल बी सी पार्ट, ये आपको गलत होगा, क्लियर है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करना है। उन्होंने बोला ओपन कौन सा है, तो देखो आइसक्रीम फ्रीजर, तो आइसक्रीम फ्रीजर में जब आप बात करते हैं आइसक्रीम फ्रीजर, जैसे रेफ्रिजरेटर का ऊपर वाला पार्ट जो होता है फ्रीजर है ना, तो आइसक्रीम फ्रीजर में आप बात करते हैं तो आपने क्या कर दिया, जब डोर क्लोज कर दिया तब वो एज ए रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा है ना, डोर ओपन करके रखोगे तब नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमने जो वो रखा हुआ था आइसक्रीम रख दिया, तो वो एक बार रखने के बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं ठीक है ना, ये नहीं कि हम डोर खोल के खड़े होकर और आइसक्रीम लेकर अंदर बाहर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप बताओ ये ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है। अरे अगर आपने डोर ओपन कर रखा तो वो वर्क थोड़ा करेगा प्रॉपरली, तो आपने बोलना आइसक्रीम फ्रीजर को, देखो जो भी इक्विपमेंट है उसको उसकी रनिंग कंडीशन पे बात करो ठीक है ना। सो आइसक्रीम फ्रीजर, ये आपका हीट ट्रांसफर तो होता है लेकिन मास ट्रांसफर आपका नहीं होता है, सो ये आपका क्लोज सिस्टम है। सेंट्रीफ्यूगल पंप रेफ्रिजरेटर पे ही लगा होता है ठीक है ना, ये क्या करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, एग्जैक्टली मनीष कुमार बिल्कुल सही, सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका सही है ओपन सिस्टम में, क्योंकि इसलिए कंटिन्यूसली आपका क्या होता है मास फ्लो होता है। और रिमेंबर वन थिंग, जहां मास फ्लो होगा वहां हीट तो फ्लो होना ही होना है, तो ये आपका क्या होगा बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर पे मास ट्रांसफर नहीं होता जब तक उसका प्रेशर उसके गिवन प्रेशर से या डिजायर्ड प्रेशर से ज्यादा नहीं चला जाता। अब आप बोलोगे सर मेरे कुकर पे सीटी है ही नहीं, अब बताओ, अरे तो जब वो सीटी ही नहीं है तो वो प्रेशर कुकर की तरह वर्क नहीं करेगा ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, जो मशीन है उसको आप उसके एज इट इज आइडियल कंडीशन पे वर्क कराने की बात करो ठीक है ना। तो आपने प्रेशर कुकर जब बोला कि जब सीटी भी लगी है और सीटी ओपन नहीं है, मतलब जो विशल है वो ओपन नहीं है, तो आपका अंदर का जो सिस्टम है वो आपका प्रेशर कुकर है ठीक है ना, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है इसलिए आपका प्रेशर कुकर है। बॉम कैलोरी मीटर आपको हम पढ़ा चुके हैं, बॉम कैलोरी मीटर इज यूज टू, ये इसका क्या होता है,
इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज टू मेजर कैलोरीफिक वैल्यू, इंपॉर्टेंट है ये, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू की ही फ्यूल हम निकालते हैं, और किसकी निकालेंगे, वाटर की जगह थोड़ा निकालेंगे, तो कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए आप इसको यूज करते हैं। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर आपका कैसा होता है, क्लोज सिस्टम होता है, इसमें सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, मनीष इज करेक्ट। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपको कब आया था, देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन कब आया था, 2011 में आया ये क्वेश्चन, देखो नाउ ये क्वेश्चन आपका आया 2009, ईएसी का ये भी क्वेश्चन है। नाउ इसमें बताना है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हमने बोला था कि क्वेश्चन में हम हर चीज़ को लेते हुए चलेंगे, बीच बीच में ऐसे भी डिस्कस करेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट का सपोज दैट थ्योरी पार्ट या कोई लेक्चर मिस हो गया है, वैसे तो हम सजेस्ट करेंगे कि अगर लेक्चर मिस हो गया तो क्या करना है, आपको जाके लेक्चर अटेंड करना है। लेकिन अगर हम बोल दें कि सपोज दैट आप लेक्चर तो बाद में अटेंड करोगे, अभी तो डिस्कस कर लो, तो आपने बोला कि हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर को डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने के बाद जो प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई मतलब वो एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड कर रही है, और जो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हुई वो इंटेंसिव। तो हमें इंटेंसिव पूछा है इन्होंने, विच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर इंटेंसिव, तो हमें इंटेंसिव पूछा है, तो हम इंटेंसिव बताएंगे इसमें, ठीक है ना। तो इंटेंसिव हमें बताना है, सो दैट चलो स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिव तो क्या टेम्परेचर डिवाइड हो जाता है ब्रेक करने के बाद, नहीं टेम्परेचर डिवाइड नहीं होता, तो ये आपका कैसा होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी डिवाइड हो जाती है, नहीं विस्कोसिटी भी डिवाइड नहीं होती, तो ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या आपका स्पेसिफिक एंट्रोपी, रिमेंबर दिस पॉइंट, स्पेसिफिक एंट्रोपी लिखा है, तो किसी भी प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक लग जाए वो आपका इंटेंसिव। थर्मल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये डिवाइड नहीं होती है, ठीक है ना। ये आपको वन ए बी सी डी, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, राकेश का बिल्कुल सही आंसर है। सो लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, देखो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ईएससी में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और देखो ये अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, तो देखो आपको वहाँ पे एग्जाम में आपको 15 सेकंड नहीं लगना है, ठीक है ना, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये सब टाइम सेविंग क्वेश्चन होते हैं, ये सब कैसे होते हैं टाइम सेविंग, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और खासतौर से प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आपने कर रखी है ना उतना बेहतर। बिल्कुल प्रणव का भी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, इसका आंसर दो आराम से, ए बी सी डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं थोड़ा सा लिस्ट वन लिस्ट टू हिल गया लग रहा है, ये जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है ना ये लिस्ट ए है, और ये जो राइट वाला पार्ट है ये लिस्ट बी है, ठीक है ना। अब आपको पूछ रहा है कि मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इनमें मैच कराना है, तो ए के साथ कौन होगा बी के साथ कौन होगा, वो तो बचपन में ही मैच कराना सीख गए थे ना, हाँ मैच कराना तो सब आता है, ओके तो वही है मैच कराने वाला आंसर। सो दैट हम बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की, फर्स्ट वन इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपको देते हैं 10-20 सेकंड, आप ले लो आंसर, रिप्लाई करो ए बी सी डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपने क्या वर्क डन, देखो पॉलीट्रॉपिक वर्क डन, स्टडी फ्लो प्रोसेस लिखा हुआ है, मतलब ये हम बात कर रहे हैं ओपन सिस्टम की, हीट ट्रांसफर इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक, हीट ट्रांसफर इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और वर्क डन इन आइसेंट्रॉपिक, ये देखो आइसेंट्रॉपिक लिखा है, वर्क डन इन आइसेंट्रॉपिक लिखा हुआ है, क्लियर है आइसेंट्रॉपिक। हाँ तो मनीष का आंसर डी, एंड सुपरदीप सरयाल आंसर डी, सॉरी ए इज आंसर, यस मनीष आंसर ए, एंड प्रणव आंसर इज डी। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क कितना होता है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इन चार में से वर्क कौन सा होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपका इन दोनों में से देखो, ये आपका एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए के साथ चार आ रहा है, मतलब आपका बी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया, क्लियर है, बी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया बेटा राकेश, बी तो गलत हो गया क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ही आपने गलत कर दिया कि वर्क इन जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है वो आपका ये होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N माइनस 1,
ये आपका होता है, ठीक है ना। तो ए के साथ तो फोर आ गया, तो ए के साथ हम बात करेंगे तो ए के साथ फोर आएगा, तो मतलब ये आपका वन क्या हो गया, गलत हो गया, और ये आपका डी, बी और डी दोनों गलत हो गए ना। अब बचे ए और सी, फिर आते हैं बी के बाद। इन्होंने बोला वर्क डन इन ए स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है आपको पता है, ये होता है माइनस वी डी पी, तो इसके साथ आ गया वन, तो आपने बोला बी के साथ आएगा वन, तो ये भी है वन और ये भी है वन। चलो आगे बढ़ो, अब आपने बोला सी देखते हैं, हीट ट्रांसफर इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर कितना होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर कितना होता है। राकेश बी ऑप्शन गलत हो चुका है, नाउ विच वन इज द, विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, आपका बी आंसर गलत हो चुका है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हमने बताया था, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसके बारे में सुन लो थोड़ा सा, क्या बताया था कि किसी भी प्रोसेस में अगर लिखा है कि प्रोसेस इज वेरी फास्ट, तो आपको वहाँ पे एडियाबैटिक कंसीडर कर लेना है, क्योंकि जब प्रोसेस इतना फास्ट होता है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर फ्लो होने के लिए कोई समय नहीं मिलता है, तो जो हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक ये होता है जीरो, तो यहाँ पे सी के साथ आ जाएगा दो, ठीक है ना। सर पेड कोर्स व्हेन विल स्टार्ट, कृष्णा देव ए बी सी वन टू थ्री ए बी सी, पेड कोर्स एक्चुअली क्या है ना, कोर्सेज आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, और अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है 21st of September से आई थिंक सो, ओके। तो अगर आपने पेड लिया हुआ है तो आप वहाँ पे, पेड के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल, पेड के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कृष्णदेव, तो जैसे ही आप पेड करते हैं ना तो वहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ ऑलरेडी वहाँ पे कई सारे बैचेस चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप वो बैचेस ज्वाइन कर लेंगे जो नया स्टार्ट हो रहा है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। अभी आपने बताया 24 कोर्सेज फॉर मैकेनिकल ओनली, तो जैसे ही एक खत्म होता है तुरंत एक नया स्टार्ट हो जाता है, तो कंटिन्यूसली चलता रहता है मंथली, हर महीने आपका एक दो कोर्स तो स्टार्ट होता ही होता है नया, सो दैट आपको बस ज्वाइन करना है और वो कभी भी स्टार्ट होगा, ठीक है ना। नाउ वेरी फास्ट, अब आपने क्या बोला टू, और देखो लास्ट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ये पॉलीट्रोपिक था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए आप यही ऑप्शन बचा है, तो हम इसमें क्लिक कर देंगे, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया थ्री। लेकिन यहाँ पे अगर आइसेंट्रोपिक की जगह रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक होता तो हमें और अच्छा लगता बताने में कि डी के साथ आपका थ्री ऑप्शन आएगा, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इसकी वैल्यू होती है, यही आपका होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है ना। रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक ही रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है, इसी में डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है P1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन, क्लियर है, ओके। सो एयर आंसर विल बी सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन, इसमें हमारा लिस्ट इधर उधर नहीं खिसका है, ठीक है ना, तो आप आराम से इसको करो। ESE 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन कब आया हुआ, ESE 2007। नाउ करेक्ट मार्क विच वन इज द करेक्ट, कौन कौन से इसमें पार्ट सही है, सबसे पहले मरकरी, फिर थर्मोकपल, फिर थर्मिस्टर, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपको लिस्ट वन लिस्ट टू से मैच कराना है। तो अब कुछ लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि ऐसा तो नहीं, थर्मो मरकरी इन मरकरी इन ग्लास, ऑप्शन प्रेशर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और ये। अब आपको इसको इसमें क्या बताना है, मरकरी इन ग्लास में प्रेशर कांस्टेंट रहता है या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ऐसा करके नहीं देखना है। ये जो आपका लिस्ट भी है ये शो कर रहा है थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, बाकी की प्रॉपर्टी देखो ना आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इट इज द थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, इसी को हम क्या बोल देते हैं, EMF, ठीक है ना। तो ये सब वैल्यू, अब आप ABCD मैच करा लो, अब आप ABCD मैच कराओ, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर। सुधांशु जैन, ए पार्ट आपने बोला मरकरी इन ग्लास के साथ वन, देखो हमने बोला मरकरी इन ग्लास इसमें, हाँ आंसर मनीष कुमार ने बोला डी पार्ट, ठीक है। और बताओ, देखो पहले तो हम बता देते हैं जो मरकरी इन ग्लास जो होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो आपका अब करो अभी हम बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी 10-15 सेकंड रुकते हैं, ठीक है ना। मरकरी इन ग्लास, थर्मोकपल, थर्मिस्टर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, रिमेंबर दिस पॉइंट, जो आपका मरकरी इन ग्लास होता है उस पे आपका क्या कांस्टेंट रहता है,
उस पे आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो ए के साथ आ गया 3। अब हमें स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे से भी नहीं रहा जा रहा। ये देखो गेट 2007 में आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गेट 2007 में आया था। तो मरकरी इन ग्लास, इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, वॉल्यूम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है। थर्मोकपल, इसमें हमको पता है कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है EMF, मतलब इसके साथ आ गया 4, ठीक है ना। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच हेल्प टू इवेल्युएट द टेम्परेचर, ठीक है ना। यह थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच इज डायरेक्टली मेजर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसी टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का चेंज होगा उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर प्रॉपर्टी को नोट डाउन करते हैं और फिर हम कैलकुलेट करके बता देते हैं टेम्परेचर इतना, ठीक है ना। तो नाउ आपका थर्मोकपल में EMF चेंज होता है, तो EMF थर्मोमीटर प्रॉपर्टी है। फिर आप बात करते हैं थर्मिस्टर में, तो थर्मिस्टर में आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है विच चेंजेस विद टेम्परेचर। मनीष कुमार मैं समझा नहीं, विच चेंजेस विद टेम्परेचर, एग्जैक्टली आप बता रहे हो, अच्छा मुझे लगा आप पूछ रहे हो। हाँ, सो आपका ये हो गया 2। कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं ऑलरेडी बोल दिया है वॉल्यूम कांस्टेंट है, और आइडियल गैस की हम बात करते हैं इसमें, तो आपने बोल दिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो राकेश ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट, मनीष आंसर डी इज करेक्ट, सुधांशु जैन आंसर ए, कहाँ गड़बड़ कर दिए थे, आपका 4, 2 तो सही हो गया, 1, 3 में आप कन्फ्यूज हो गए, मरकरी में कन्फ्यूज हो गए और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस में कन्फ्यूज हो गए हैं। मरकरी एक्चुअली क्या होता है, मरकरी होता है कांस्टेंट प्रेशर। मरकरी किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। नाउ मनीष सारे क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन सही करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है ना। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अगर आप एक बार सफल होते हैं तो आपको दोबारा और उसके बाद हर बार मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, अदरवाइज लोग कहेंगे कि आप लकली सफल हो गए थे, है ना। तो लकली ना बोलें, आपको बोलें कि यू आर अ हार्ड वर्कर और आप एलिजिबल थे, आप डिजर्विंग कैंडिडेट थे, ऐसा बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो मनीष कुमार रिप्लाई मीन द आंसर। ये भी देखो आपका कब आया, 2007 में आया हुआ है, ठीक है ना, ये कब आया, 2007 में आया हुआ है। तो ये पी एन क्या है, एन क्या है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ये एन क्या है, आप एक काम करो, एक इक्वेशन लिखो, पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस एन की वैल्यू आपको रखनी है कि एन की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रख देंगे तो क्या होगा, एन की वैल्यू अगर हम सी पी ओवर सी वी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गामा रिप्रेजेंट कर रहा है, एन की ओवर गामा रख देंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रख के अब आप इसका आंसर दो, ए बी सी डी। बी पार्ट सुधांशु जैन, गुड, और एनीवन अदर। देखो एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं हम, एडियाबेटिक मतलब पीवी की पावर गामा होता है, तो इसके आगे का आंसर आना चाहिए 2। तो हमको लगता है सुधांशु का आंसर सही होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, एन की जगह 1, तो ये आ गया आपका 3, तो 2, 3, 2, 3, मतलब आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब आपको बचा ए और बी में। उसके बाद 5 दोनों के लिए इसको क्वेश्चन को देखो, कुछ गौर साहब ने कुछ भेजा है, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोमेट्रिक सिस्टम, then which relation among the following fails to identify Z as another thermometric property? Option कहाँ है? Then which relation among the following? Among the following? What about among the following? Following में answer तो लिखो अनुहर्ष गौर, nice name. अनुहर्ष गौर option तो दो आप, option दो। सो दैट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका 2, 3 हो गया, 5, 4 डी के लिए देख लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो आपका एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप बोलोगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो मतलब एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए एन की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी, तब आपका वॉल्यूम एज ए कांस्टेंट आ जाएगा, ओके।
तो आपका कांस्टेंट प्रेशर रखना है, तो आपने बोल दिया कि कांस्टेंट प्रेशर रखना है सो दैट आपका ये एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा माइनस वन, ठीक है ना। नहीं, गामा माइनस वन नहीं, एन की वैल्यू जीरो रख दो, टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइव और इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। तो 3251, तो ये आपका बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो मनीष का सही है, सुधांशु का सही है, अनुहर्ष गौर वेटिंग फॉर ऑप्शन। आपने जो फॉलोइंग बोला ना, फॉलोइंग फेल्स टू आइडेंटिफाई जेड एज अनदर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके नाउ सो इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी। ये तो क्वेश्चन देखो देख के ही आपको टिक कर देना चाहिए, ठीक है ना। ये भी आपका ESE 2001 में आया था, इसको करो आंसर आंसर आंसर। ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी विच वन इज द करेक्ट। ये आपका गिब्स इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, गिब्स इक्वेशन। आप मटेरियल पे मत जाना, क्योंकि आपने जो मटेरियल साइंस, हम थर्मोडाइनमिक वाला बात करेंगे, थर्मोडाइनमिक वाला बात करेंगे, ठीक है ना। मटेरियल में हमको क्या बताया गया था, मटेरियल बताया गया था पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस वन, ये मटेरियल के लिए था। हम यहाँ पे अभी थर्मोडाइनमिक सिस्टम की बात करेंगे, तो अभी हम इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो गिब्स होता है वो क्या होता है, आपने मनीष कुमार पहले बी बोला, फिर ए बोला, फिर डी बोला, सुधांशु डी, अब डी आ गया, मनीष डी आ गया। तो देखो पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा याद दिला देते हैं, ऐसे याद रखना, पी एफ मतलब प्रोविजनल फंड, ठीक है ना। प्रोविजनल फंड याद रहेगा तो आपको इक्वेशन फट से याद रहेगा, क्योंकि ये पता क्या, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, ये इतना सिंपल सा है ना कि भूल जाता है कि एफ किधर गया सी किधर गया, ठीक है ना। और ये भी तेज होते हैं, ये एफ और सी खिसकाते रहते हैं इधर उधर, तब जाके ऑप्शन पूछते हैं, ठीक है ना। तो पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, तो पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये पी पी प्लस एफ, ये गलत हो गया, पी प्लस एफ नहीं, ये माइनस में आ गया, पी प्लस एफ उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सी माइनस टू, तो ये इसकी वजह से गलत हो गया, अदरवाइज पी प्लस एफ तो यहाँ भी था। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड सुधांशु एंड मनीष। ओके नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, दिस इज द अनदर क्वेश्चन, दिस वन इज अनदर क्वेश्चन। इसको अगर कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम इज अ इमेजिनरी बाउंड्री, कंट्रोल वॉल्यूम इज द इमेजिनरी बाउंड्री। और ये हम कहाँ क्रिएट करते हैं, ये हम किसी ओपन सिस्टम में करते हैं जहाँ पे फ्लूड कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, आपको एनालिसिस करनी है। तब ऐसा तो है नहीं कि आपको एनालिसिस, हमने बोला कि इस पॉइंट पे हमको प्रेशर निकालना है, तो आप लेके आ गए डिवाइडर और आपने क्या कर दिया इधर पे और इधर पे लगा दिया, ऐसा तो नहीं करना ना। आपने क्या करना, एक इमेजिनरी बाउंड्री क्रिएट करनी है, इसे हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। तो मनीष ने आंसर दिया डी, सुधांशु आंसर डी, इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, गलत, क्लोज सिस्टम बट हीट एंड वर्क कैन अक्रॉस, तो क्लोज सिस्टम के लिए तो है ही नहीं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस नहीं, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है एक्चुअली, इसका क्या होता है वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ये भी गलत, अ फिक्स्ड रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क अक्रॉस द बाउंड्री, सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नहीं राकेश, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस, मास इन स्पेस कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कर रहे थे उसके पहले हमने अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखी थी, हमने लिखा था कि मास एम आई इंटर कर रहा है, एम ई एग्जिट कर रहा है और डेल्टा एम एक्यूमुलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मास तो फिक्स किया नहीं, उसके बाद जब हमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखने की बात आई थी तब हमने कह दिया था कि भैया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का केस तभी लगेगा जब आपका मास एक्यूमुलेशन एंड एनर्जी एक्यूमुलेशन जीरो होगा, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था, क्लियर है। सो दैट डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है ना। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, रिमेंबर वन थिंग, क्वेश्चन में बोला गया है क्या, बोला गया है हॉट कॉफी स्टोर्ड इन वेल इंसुलेटेड, हॉट कॉफी स्टोर्ड इन वेल इंसुलेटेड। तो ये ESE वालों ने बोला हुआ है वेल इंसुलेटेड, तो ESE वाले अगर UPSC वाले बोल रहे हैं ना वेल इंसुलेटेड, तो उसको वेल मान लो, आप अपने घर का कॉफी वो कॉफी थर्मोफ्लास्क मत कंसीडर कर लेना, ठीक है ना।
यूपीएससी वाले जो बोलते हैं वो उनको मानना है हम लोग को, ठीक है ना। तो हॉट कॉफी स्टोर्ड इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मो फ्लास्क एंड एन इंसुलेटेड, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर प्रणव ए पार्ट, ओके प्रणव नबियार, आई थिंक आप पहले भी क्लास अटेंड कर चुके हैं, यू आर ओल्ड स्टूडेंट्स एंड यू रिक्वेस्टेड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, ओके आई थिंक एज आई मुझे जैसे कुछ कुछ याद है एग्जैक्ट, नो ए पार्ट बिल्कुल से बिल्कुल, ये आपका आइसोलेटेड हो गया, क्लोज सिस्टम गलत, ओपन सिस्टम गलत, नॉन फ्लो एडियाबेटिक, क्या क्या लिख दिया, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, क्लियर ना, ये कहाँ चला गया, अच्छा ये कुछ ऐसे आया, ये स्टाइल से आ रहा है, आने दो इसको भी, ना देर आर फोर ऑप्शन, देर आर फोर ऑप्शन, इसका आंसर दो, गुड राकेश, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ ESE 2016 में ये क्वेश्चन आया हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज, ये क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज व्हेन द सिस्टम गोज अंडर अ साइकिल, द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज व्हेन द सिस्टम, बी पार्ट, मनीष बी पार्ट, सुधांशु बी पार्ट, एनीवन एल्स, गेमिंग माइंड बी पार्ट, गुड, सो बताया जाए, आगे बढ़ा जाए, आई थिंक ये बहुत सिंपल सा है, हमने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी जो होता है वो आपका कैसा होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, दैट्स इट। अगर एंट्रोपी हमने तभी तो प्रूफ की थी, हमने एक जगह प्रूफ कर दिया था कि डी क्यू ओवर टी फॉर एनी प्रोसेस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, अब जब कॉन्स्टेंट हमने बोल दिया तभी तो हमने बोल दिया कि भैया ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉपर्टी है, क्यों, बिकॉज कॉन्स्टेंट है तो क्या हुआ, कॉन्स्टेंट है इसलिए पॉइंट फंक्शन हो गया इसलिए आपको प्रॉपर्टी हो गया इसलिए हमें नाम देना पड़ गया, तो हमने बोल दिया डीएस, ऐसे करके किया था ना, तो प्रॉपर्टी होता है आपका पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना। इसमें एक चीज और लेकर लास्ट पॉइंट देखो, ये कह रहा है क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज व्हेन द सिस्टम गोज अंडर अ साइकिल, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, देखो आप बोलोगे कि सर सही तो कह रहा है ये, इनिशियल और फाइनल पे वैल्यू सेम तो होती है प्रॉपर्टी की, ठीक है ना, तो आप बोल दो कि सर ये सही तो कर रहा था, ये अगर कोई साइकिल है तो हमने बोला इस पे हमें एनालिसिस करनी है पॉइंट वन पे, ठीक है ना, तो यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है, क्लॉकवाइज साइकिल था, इनिशियल और फाइनल तो चेंज हो गए, नहीं ये कुछ और कह रहा है एक्चुअली, ये कह रहा है क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज, ऐसा कह रहा है, तो ऐसा क्यों गलत हो गया, देखो ऐसा इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेशर कुछ और था, यहाँ पे प्रेशर कुछ और हो गया, यहाँ कुछ और हो गया, तो मतलब जब हम साइकिल में चल रहे हैं तो इसका क्या प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली देखो चेंज हो रहा है, इसने कहा अ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज, तो ऐसा थोड़ा है, अगर ये बोलता है अ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज एट इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक साइकिल, तो हम मान लेते कि सही था ये भी, अदरवाइज ये कह रहा है कि विच डज नॉट चेंज व्हेन द सिस्टम गोज जब सिस्टम चल रहा है अंडर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल इन सब पॉइंट पे तो प्रॉपर्टी वेरिएशन है ना, सो दैट बिल्कुल सबका आंसर सही है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, लास्ट पार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए आ जाता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, इलेबरेट कर दिया, क्लियर है। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, इसमें क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब ऑप्शंस नहीं सॉरी एक ही ऑप्शन करेक्ट है, कब आया, अभी रिसेंटली आया, देखो 2018 में आया, अभी आया रिसेंटली, ठीक है ना, 2018 में, इसमें क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट, ये कह रहा है किसकी स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट रहती है, एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्लियर है, किसकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहती है एट ऑल प्रेशर और टेम्परेचर, प्रदीप यादव बिल्कुल सही जवाब, जो इसकी होती है ये आइडियल सॉरी मोनो एटॉमिक गैस की प्रॉपर्टीज सेम होती है एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्लियर है, तो इसका आंसर सबको पता है, वेरी गुड। This question, which one of the following substance has constant specific heat? ये तो यही है, ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस, ए पार्ट इज द करेक्ट, वेरी गुड, ऑप्शन भी दे देते हैं,
देर आर सम ऑप्शन, जैसे कि आर्गन गैस, हीलियम, नियॉन, ये सारी कैसी होती है, मोनो एटॉमिक गैसेस होती है। ये सारी गैसेस कैसी होती है, मोनो एटॉमिक गैस होती है। तो इनका जो स्पेसिफिक हीट रहता है वो कांस्टेंट रहता है, दैट डजंट मैटर कि प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आया गेट 2016, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया गेट में 2016 में। इसका आंसर बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू हीट एंड वर्क के लिए, विद रेस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क। ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, आंसर आंसर आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज हीट एंड वर्क दे आर बाउंड्री फिनोमेना, ओके, दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दे आर पाथ फंक्शन, विच वन इज द करेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड, सुधांशु जैन बी पार्ट, गेमिंग माइंड बी पार्ट, मनीष कुमार बी पार्ट, एनी अदर, सुधांशु जैन बी पार्ट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो यहाँ पे गेट 2016 में देखो एक नंबर क्वेश्चन आया, ये भी आप देख के कर दोगे। देखो हमने अभी बताया कि ये जो वर्क एंड हीट होता है ये सिस्टम में क्या होता है, बाउंड्री फिनोमेना होता है। ये क्या होता है, बाउंड्री फिनोमेना होता है, ठीक है। तो आपका ए पार्ट सही हो गया। एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो पॉइंट फंक्शन होता है, जो आपके पॉइंट फंक्शन होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं ये होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ओके, और जो आपके पाथ फंक्शन होते हैं ये आपके इनएग्जैक्ट होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्लियर है, ये आपके इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं पॉइंट पाथ फंक्शन। तो ये कैसा है आपका, ये पाथ फंक्शन है ना, ये पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, पहले लो यही टिक मार लो। अब पाथ फंक्शन है तो इन एग्जैक्ट होगा, तो इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। तो वन एंड थ्री, सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी सर मेरा टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है सर, मैं नोट्स कंप्लीटेड किया विद कॉन्सेप्ट, पर सर अब कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, जब नोट्स रिविजन करता हूँ तो हो जाता है पर क्वेश्चन ईएसी का अब नहीं लग रहा है। देखो आपने प्रदीप टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, अगले मंथ में एग्जाम है। देखो प्रदीप रिमेंबर वन थिंग, जो आप नोट्स बनाते हैं ना उसको जब रिवाइज करते हैं तो उसको कैटेगराइज करिया करिए। कैटेगराइज मतलब देखो, आप सपोज दैट आपने फर्स्ट टाइम नोट्स बनाया, तो फर्स्ट टाइम नोट्स बनाने के बाद आप जब फर्स्ट टाइम बनाते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट मार्क करते हो, ठीक है ना, कुछ लोग हैशटैग मार्क करते हैं, कुछ लोग स्टार मार्क करते हैं, तो एक प्रॉपर वे रखो, आपने सिंगल टिक मार्क कर दिया, ठीक है ना। फिर जब आप सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे थे तो आपको लगा कि जो जो चीज़ भूल गए थे, जो जो चीज़ भूल रहे हैं ज़्यादा, उसको डबल टिक कर लो, ठीक है ना, और आपको लग रहा है कि जो चीज़ ज़्यादा आ रही है उसमें स्टार मार्क कर लो। फिर आप थर्ड टाइम जब रिवाइज करोगे तो जो चीज़ ज़्यादा भूल रहे थे वो डबल टिक वाले को आप एक बार सबसे पहले क्या करो, उसको क्रॉस वेरीफाई करो गलत तो नहीं हुआ। तो अगर कैटेगराइज करके आपने नोट्स बनाया हुआ है ना, और हमेशा आप नोट्स ऐसे बनाया करो कि एक पार्ट सेलेक्ट कर लो कि इस पेज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, या इस टॉपिक से हट के कोई ऐसी चीज़ थी जो इम्पॉर्टेंट थी लेकिन हमने यहाँ डिस्कस की, उसको आप अलग से इंडिविजुअली मार्क किया करो। तो उससे क्या होता है ना, जब आप पढ़ रहे होते हैं, जैसे सपोज दैट आप पढ़ रहे थे अभी, ये आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे आप, पाथ फंक्शन पढ़ रहे थे, तो पाथ फंक्शन के साथ साथ हमने तुरंत ये बता दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे हमारे एक क्वेश्चन आया था कि आइडियल गैस के लिए आप कुछ कुछ बता रहे थे, लेकिन हमने तुरंत क्या किया, आइडियल गैस का भी प्रॉपर्टी साथ में तुरंत बता दिया कि आइडियल गैस क्या होता है। तो नोट्स इस तरीके के हों कि जब आप पढ़ रहे हो तो रिलेटिवली चलते रहें, क्योंकि हमेशा आपको रिलेटिवली ही याद होता है। कभी भी जैसे आप हाईवे में जा रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं याद होता है कि हाईवे में इधर जा रहे हैं तो 10 मिनट बाद ऐसी चीज़ दिखेगी, ऐसा कभी नहीं याद होता। आपको याद होता है कि इस पुल के बाद ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, इस शॉप के बाद वो मिलेगा, इस मोड़ के बाद ये मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप याद करते हो ना, जो हमारा माइंड होता है वो रिलेटिवली याद करता है, क्लियर है। हम हमेशा अच्छी और ख़राब चीज़ें रिलेटिवली, आप जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है ना, हो सकता है आप वो याद मतलब महसूस नहीं हुआ हो, लेकिन आप हमेशा रिलेटिवली ही चीज़ें याद करते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि आप दिल्ली में हैं और आपको बोला जाए कि आपको कानपुर जाना है, आप रिलेटिवली याद करोगे कि कानपुर दूर है। कैसे दूर है कानपुर, किस हिसाब से दूर है, आपने सोचा कि दिल्ली से गाजियाबाद तो पास ही में था, कानपुर दूर है, लखनऊ और दूर है, बनारस और दूर है। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग रिलेटिवली चलता है,
ठीक है ना कहीं आपका दिमाग रिलेटिवली चलता है। जैसे आप बोलोगे कि आज एटमोसफेयर ठंडा है, तो ठंडा है कैसे ठंडा है, मतलब कि एज कम्पेयर टू अनदर डे ठंडा है। तो हमेशा कहीं ना कहीं हम रिलेटिवली बात करते हैं। आप जैसे हाईवे में जा रहे हैं ना, तो आपको याद ऐसे थोड़ा याद रहता है कि 26 किलोमीटर बाद आपको लेफ्ट कट लेना है। अगर आपको पता है, आप जानते हैं कि 26 किलोमीटर बाद आपको लेफ्ट कट लेना है, लेकिन जब आप चलते हैं तो हर समय किलोमीटर पे नहीं ध्यान रखते हैं। आपको ये पता होता है कि 26 किलोमीटर जब कट लेना है उसके पहले पेट्रोल पंप मिलता है। तो ऐसे रिलेटिवली याद रहता है, तो वैसे ही आप नोट्स में भी रिलेटिवली याद करके रखा करो, ठीक है ना। तो आपको चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है ना। और जब मार्क किया करो, हमेशा इंपॉर्टेंट ऐसे ही मार्क किया करो, और कैटेगराइज करके मार्क किया करो। क्योंकि अगर आपका एक नोट्स बना है और उसको ही आपने, वो अगर आपका खुद का बना हुआ नोट्स है, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो जीरोक्स लेके आते हैं और उसी नोट्स में ही अपना पढ़ते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीरोक्स गलत है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन आप उस जीरोक्स नोट्स को लेके जब आप आए हैं, ठीक है ना, तो आप अपना अलग से खुद का नोट्स बनाइए उसको पढ़ पढ़ के। एक मंथ में मैकेनिकल एमई टेक्निकल कैसे कंप्लीट, ईएससी पेपर करें, टाइम टेबल बताओ सर सब्जेक्ट वाइज। देखो यादव, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक मंथ में मैकेनिकल का तो कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हाँ ये है कि अगर आपने पूरा पढ़ रखा है, रिवाइज करने की बात कर रहे हो, तो आप रिलेटिवली पढ़ो। रिलेटिवली इन द सेंस कि पहले आपने जैसे थर्मो कंप्लीट किया, फिर उसके बाद एचएमटी पे आ जाओ, थर्मो के बाद आप आईसी इंजन पढ़ो, एचएमटी के बाद आप आरएसी पढ़ लो। तो थर्मो में आपने उसके सबके बेसिक्स पढ़ लिए, थर्मो के बाद आप आईसी इंजन पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर आपने पहले आईसी इंजन पढ़ लिए बाद में थर्मो पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? खुद के बनाने में मज़ा आता है। एग्जैक्टली, जीरोक्स में मजा नहीं आता। जीरोक्स एक्चुअली दूसरे के हैंड राइटिंग होती है। कभी हमको वाई नहीं समझ में आता कि वाई लिखा है कि बी लिखा है। एफ और बी हमेशा एक जैसा लगता है, 9 4 कभी कभी एक जैसा लगने लगता है। ऐसे कैसे, हमारा 9 हमारा 4 हमेशा अलग रहेगा, सामने वाले का 9 4 हमेशा एक जैसा लगता है ना। तो अपने नोट्स की एक अलग इंगेजमेंट रहती है। और आपको कई बार होता है ना कि आप जब कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सपोज दैट आपको आगे प्रिंसिपल एंट्रोपी, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक हिडन पिक्चर आती है कि प्रिंसिपल एंट्रोपी तो मेरे नोट्स के उस उधर टॉप पे राइट पे लिखा हुआ था, हेडिंग इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ था। तो मुझे हिडन पिक्चर आती वो ऐसी आती है क्योंकि आपने उसको कई बार पढ़ लिया होता है, वो आपका खुद का बनाया हुआ होता है। तो आई थिंक मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि खुद का नोट्स होना जरूरी है, ठीक है ना। और उसी को कैटेगराइज करोगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट नोट होता है, नोट्स होता है। बस उसको खो मत देना, ठीक है ना। खो दोगे तो बहुत दुख होता है। मेरा नहीं खोया, टेंशन मत लो। अरे ये देखो, वन मोर इम्पोर्टेंट नोटिस, एक्चुअली मैं भूलता हूँ, इम्पोर्टेंट नोटिस है, मैराथन सेशन ऑन एंट्रोपी विद स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस हैं, कल कल हैं आपका, टुमारो मॉर्निंग 11 AM यूट्यूब में ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा कि आप जानते हैं न्यू ग्रुप के साथ ही होगा, स्पेशल केसेस होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। मतलब कल का अगर आपने मैराथन क्लास कंप्लीट कर लिया है तो आपका एंट्रोपी हो गया है, ठीक है ना। तो मोस्ट वेलकम, एंड डोंट फॉरगेट, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आपने बेल आइकन बटन को हिट कर रखा है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। मिलते हैं कल 11 बजे मॉर्निंग में। कम टू दिस क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन तो दोबारा है, इसमें आंसर क्या आ गया था, 627। अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा ईएससी में भी आया है, ये क्वेश्चन 2012 में आया था, उसमें आंसर देखो आपको 900 मिला था, इसमें भी तो 900। चलो खैर, क्वेश्चन आपका यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया था, 627 आ गया था, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करो जब तक, इस क्वेश्चन को करो। हाँ देखो यादव ने तुरंत ट्रिपल सी बताया, एग्जैक्टली यादव, जैसे तुम्हें इतने अच्छे से ये क्वेश्चन याद था ना कि इसका आंसर सी सी सी, मतलब एक ही सी है, वैसे ही आपको अपने नोट्स भी याद हो जाएंगे अगर आपने उसको रिवाइज किया हुआ और अपनी हैंड राइटिंग में किया और कैटेगराइज किया हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैटेगराइज करना सीखो नोट्स को, उससे क्या होता है कभी भूलता नहीं है। और चीजें चीजें तो मतलब एक होता है ना कि याद करना पड़ेगा, आप टॉपिक का नाम देखोगे इमेज में पिक्चर आ जाएगी उस पेज की पूरी, ऐसा होता है हैंड रिटन नोट्स, ठीक है ना। वो हैंड रिटन नोट्स कुछ लोग क्या करते हैं, वो कुछ लोग तो कॉपी बचाने के लिए उसमें गोद गोद के कोने कोने में लिखते रहते हैं। वैसे मत लिखना, जब आप पहली बार बना रहे हैं तो एकदम खूब फैला फैला के लिखो, क्योंकि जब आप दूसरी बार बनाते हैं तो फिर आपको उसमें कुछ कुछ लिखना होता है, फिर जब थर्ड टाइम उसको रिवाइज करते हैं ना फिर उसमें कुछ और को लिखना होता है। तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम के लिए कुछ नोट्स की जगह तो चाहिए ना, ठीक है ना। फ्री मिलेगा क्या यूट्यूब पर? अरे यूट्यूब पे तुमसे कौन पैसे ले लेगा राकेश, ठीक है ना। यूट्यूब में है, कल 11 बजे है, फ्री ही है, ठीक है ना।
सर सभी सब्जेक्ट के लेक्चर, हाँ सभी सब्जेक्ट के लेक्चर मिल तो रहे हैं आपका। 21 सितंबर से अभी अनएकेडमी में एक बैच स्टार्ट हुआ है, सारा आपको फ्री मिलने वाला है। हाँ लेकिन जो क्विजेस वगैरह होते हैं वो तो अनएकेडमी के ऐप पे ही पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो और थोड़ा जो प्रॉपर सब्जेक्ट की जो प्लानिंग होती है वो भी अनएकेडमी के ऐप पे ही है। सो अनएकेडमी का ऐप तो इंस्टॉल कर ही लो कम से कम, और उधर पे क्लासेस अटेंड करना चालू करो। और जैसे आपको लगने लगे कि अगर आपकी कुछ कमियां हैं उसे इम्प्रूव करना है, आप तुरंत सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद तो फिर तो एक अलग ही फ्लो चलता है। क्योंकि वहाँ देखो जब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है ना तो सीरियसनेस अपने आप आ जाती है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, लॉट्स ऑफ क्विजेज आर देयर, ठीक है ना, कई सारे क्विजेज चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली आप इंगेज रहोगे। मतलब घर वालों ने कह दिया ना सब्जी लेके भी आनी है, तो उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा कि आप जाएँ कि नहीं जाएँ, क्योंकि आप इंगेज रहोगे। क्लियर है? तो इसका आंसर बताओ, ए बी सी डी करके आंसर बताओ, जब तक मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। प्रदीप यादव, केल्विन टू सेंटीग्रेड में बदलना पड़ता है बाद में, केल्विन टू सेंटीग्रेड, केल्विन टू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो वाला आंसर। देखो आपको तुरंत याद आ गया, ऐसे याद रहना चाहिए सर, प्रेशर गेज, बिल्कुल बिल्कुल, ये गेमिंग माइंड ने पकड़ा हुआ है कि प्रेशर गेज यहाँ पे लिखा हुआ था भाई, एक पॉइंट प्रेशर गेज लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट प्रेशर मत लिखना। ये क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा द प्रेशर गेज इंडिकेट बाय अ मैनोमीटर टू वॉल ऑफ द वेसल वन, और सराउंडिंग प्रेशर दिया हुआ है वन। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर आएगा ना वो आ जाएगा 1+0.5 = 1.5 bar। बस इसके बाद क्वेश्चन हो गया। देखो ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया। आपने सिर्फ एक पॉइंट देना, ध्यान देना था, जो किसने, गेमिंग ने ध्यान दिया, गेमिंग माइंड, गेमिंग माइंड का माइंड अच्छा। ओके ना राकेश, आपका लेक्चर अच्छा था सर, पहली बार अटेंड किया। हाँ इट्स ओके, जिंदगी में हर काम की शुरुआत पहली बार से ही होती है, तो कीप इन टच। और थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ HMT का भी वैसे अनएकेडमी ऐप पे फ्री लेक्चर ही चल रहा है, डेली मॉर्निंग में 8 बजे चलता है, कल भी है मॉर्निंग में 8 बजे, आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे न्यू ग्रुप के, देखो न्यू ग्रुप में तो सबसे अच्छा क्या किया है ना इन्होंने, मतलब अनएकेडमी वाले भी आपको फुल सुविधाएँ दे रहा है। न्यू ग्रुप में इन्होंने क्या किया, लेक्चर वाइज कर दिया कंप्लीट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेक्चर वाइज। अभी तो ये आज लेक्चर होगा, हमको लग रहा है 21st lecture है जो आज चल रहा है। अब सोच लो 20 lecture, सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे, सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे लेक्चर फ्री है यूट्यूब पे। 1.67, प्रदीप यादव कुछ गड़बड़ की है क्या, कुछ गड़बड़ की है क्या, एनी अदर? देखो आपने बोला वॉल्यूम 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 ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस आपने PV = MRT लगानी है, वॉल्यूम दिया 2.7, तो आपने लगानी है PV = MRT। अब आपने M क्यों बोला, अभी हम बताते हैं MRT, इसमें भी डिफरेंस देख लो थोड़ा सा, एक बार और बता देते हैं। आप एक क्वेश्चन लेते हो ये वाली है, थोड़ा सा हम बता, अभी हट के चलते हैं 1 सेकेंड। एक होता है PV = NRT और एक होता है PV = MRT। जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और जो नहीं है उनको भी पता हो सकता है। देखो यहाँ पे जो N होता है वो हमेशा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जो R होता है, और उसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, जबकि यहाँ पे जो R होता है इसकी वैल्यू होती है RU/मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे ये जो R की वैल्यू दिए हुए ना, ये इन्होंने जूल पर किलोग्राम केल्विन दिए, मतलब MRT वाले इक्वेशन की वैल्यू है इसकी इक्वेशन। तो हमने MRT लिख दिया। अब देखो लिखो, अब आपने बोला 2.7, आपने प्रेशर कितना बोला 1.5 bar, इसको हम किस में रखेंगे, किलो पास्कल में, किलो पास्कल में, यहाँ पे किलो जूल नहीं जूल है, तो हम इसको रखेंगे पास्कल में। मतलब आपने बोला 1.5 × 10^5, ठीक है ना। तो आपने बोला 1.5 × 10^5, वॉल्यूम आपका कितना हो गया 2.87 = M, आपका M हो गया, R आपका हो गया 287, और RT टेम्परेचर आपका कितना हो गया, टेम्परेचर गिवन था क्या, टेम्परेचर निकालना क्या है आपको, टेम्परेचर ये है 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो प्रेशर आप गलत मत रखना, हम हमेशा फिर से एक बार बता देते हैं प्रेशर में क्या करते हैं। हाँ हाँ, आप कुछ लोग का आंसर सही आया, बिल्कुल प्रदीप यादव बिल्कुल सही आंसर आया इस बार आपका, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो एक तो हमने ये बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने स्टीम बोल दी होती ना, तो स्टीम के लिए आर की वैल्यू कभी 287 नहीं होती है, स्टीम के लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
8.314 डिवाइडेड बाई 18 ये आ जाती है 0.46 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब बोल दो कि सर ऐसी वैल्यू तो हमने आज तक नहीं सुनी है, तो आज तक नहीं सुनी है तो कहीं ना कहीं आपने आज तक गलतियां कर रखी होंगी सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है ना। आज ऐसा मत किया करो, पूरी जानकारी रखो कि दोनों में क्या अंतर है, क्लियर है। तो आर की वैल्यू जो होती है वो होती है क्या होती है, आर यू अपॉन एम। अब आ जाओ वापस इसी क्वेश्चन में, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। एम की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखो 287 ये कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 100, ठीक है ना। 100 100 दो दो चार ये सब जीरो कैंसिल आउट होगा, तो ये आपका आ गया कितना आ गया 10, ठीक है। उसके बाद ये तीन से कैंसिल करो तो ये 15 हो गया, तो इज इक्वल टू 5। आंसर इज द सी पार्ट। सर एयर M29, एग्जैक्टली एयर का M29 होता है, इसलिए एयर के लिए जो गैस कांस्टेंट होता है वो 8.314 डिविजिबल बाय हम ले लेते 29, पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये वैल्यू तो हम अक्सर यूज करते हैं ना, इसीलिए यूज करते हैं। आप क्या करते हैं, हर जगह आर की वैल्यू पूछी तो आप ये तो ये रख देते हैं, ये तो ये रख देते हैं। हर जगह ये नहीं आ सकती, ये तो हर जगह आएगी लेकिन ये हर जगह नहीं आएगी, ठीक है ना, ये हर जगह नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर है। आगे चले, H2O 18, प्रदीप यादव, बिल्कुल H2O 18 है, इसीलिए तो आर गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी 0.46 आ गई स्टीम के लिए, ओके। तो ये सब चीजें आपको बारीकियां याद रखनी होंगी, क्लियर है। आगे चल सकते हैं ना, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अभी हमने किया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसका रिप्लाई करो। इसमें बोला है इनफाइनाइट, हम क्या कर सकते हैं, ये एन क्या है, ये एन वही है जो वहां था, पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे कौन सा प्रेशर आ जाएगा, आंसर दो, विच वन इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी। 4 3 2 1 प्रदीप, 4 3 2 1 बिल्कुल सही यादव। अरे अब क्या किए, 4 3 2 1 आपने बोला तो वो ए पार्ट था, अब आपने बोल दिया 4 2 3 1 सी, सी कैसे हो गया, सी में तो 4 2 3 1 लिखा हुआ है। देखो आंसर देखो आपने इनफाइनाइट बोला मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम तो आपने बोला, ये आपका हो गया क्या 4, फिर ये हो गया आपका एडियाबेटिक तो आपने बोला 3। अब देखो 3 क्यों हो गया, क्योंकि इसका और इसके स्लोप में डिफरेंस है। हमने बोला था जो डीपी ओवर डीवी इसके लिए एडियाबेटिक के लिए, ये रिलेशन ध्यान देख लो, इज इक्वल टू होता है गामा इंटू डी पी ओवर डी वी इसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, ये याद रखना। तो इसका मतलब जो एडियाबेटिक होता है उसका जो स्लोप होता है गामा टाइम्स होता है, उसका स्लोप जो होता है वो गामा टाइम्स होता है, गामा टाइम्स होगा मतलब ये आपका क्या हो गया एडियाबेटिक हो गया, ये आपका एडियाबेटिक, ये आपका क्या हो जाएगा आइसोथर्मल। तो PV is equal to constant, तो isothermal तो आपका 2 process हो गया, फिर ये आपका N0 मतलब ये pressure constant तो 1, तो 4 3 2 1 A part is the correct answer। ये G part कैसे आ गया, ये तो हमने option भी नहीं दिया था, G part कैसे आ गया, A part will be the correct answer। ये relation आप mark कर लो, ये relation अच्छा है, ठीक है ना, ये relation याद रखो। ये आपको बोला गया है कि जो एडियाबेटिक का स्लोप होता है वो गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल का स्लोप होता है, क्लियर है। आगे चले, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अनदर क्वेश्चन। नाउ सॉल्व इट। इसमें कह रहा है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल पहले बोल दिया है, इज इनिशियली एट प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1, ठीक है। इसका काम करते पीवी डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। P1 एंड T1, ठीक है।
फर्स्ट इट अंडरगोज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो आपने बोला पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हमने बोला वन से टू चलेगा, क्यों वन से टू ऐसे क्यों होगा, इसने बोला फर्स्ट इट अंडरगोज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है वन से टू, और जो टू है वो टी वन से कम है, तो टू है जो टी वन से कम है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा टी टू, टी टू, टी टू इज इक्वल टू प्रेशर कॉन्स्टेंट है, देखो आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट है, पी वी इज इक्वल टू होता है आर टी, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो इसका मतलब वी भी कम होगा, तो आपने बोल दिया लाइन ये आएगी वन से टू, टी टू इज इक्वल टू थ्री टी वन बाई फोर, ओके ना, देन इट अंडरगोज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऊपर नीचे भी जा सकता है, टू थ्री सच दैट टी थ्री इज टी वन बाई टू, अब इसने बोला टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो अगर आपने इधर से आ जाओ, अब आपने बोला ये कब बोला जब आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट था, ठीक है ना, अब आपने बोला टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, अब आपने बोला वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट बोल दिया, इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, अब ये बोल रहा है जो टी थ्री है वो और कम हो गया, अभी कितना था 0.75 था, अभी क्या 0.5 हो गया, तो टेम्परेचर कम है तो इसलिए प्रेशर भी कम होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका थ्री, ये लाइन देख लो क्लियर है, तो यहाँ पे अब आंसर आ गया, ये आपका जो है थ्री टी वन बाई फोर, थ्री टी वन बाई फोर ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है ना, और यही आपका वी टू निकालना है, तो अगर वी वन आपका कुछ गिवन है तो वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी थ्री वी वन बाई फोर हो जाएगा, तो थ्री वी वन बाई फोर मतलब 0.75 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, 0.75 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो वी थ्री इज इक्वल टू आपका क्या है वी टू है इज इक्वल टू 0.75 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, सो हेयर आंसर इज द ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सो सुभांशु जैन बिल्कुल सही, गेमिंग बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, सो आंसर इज बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इस तरीके से आपका आ जाएगा, बस आपको देखो ये याद रखना होता है कि ये लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्लियर है, ये देखो कितने नंबर का आया, दो नंबर का आया, दो मार्क्स का सिर्फ इसीलिए आया है कि आपको वन से लाइन ड्रॉ करना है कि वन से टू जाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, टू से थ्री जाएंगे तो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, बस इसी का नंबर है आपको मिला है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ करना थोड़ा था, देखो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि आइडियल गैस उन्होंने पहले बोल दिया था, वो सारी चीज़ें बोल के रखते हैं, बस आपको सुननी होती है ना, जैसे घर वाले सब चीज़ें बोलते हैं बस हम लोग सुनते नहीं है ना, वैसे ही आप भी सुनेंगे नहीं तो गलती कर जाएंगे, सुनेंगे तो गलती नहीं करेंगे, ओके ना, अब आप बात करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हम तो सबसे पहले हमारी तो वही आदत है, हम क्या करते हैं कंटेनर बनाते हैं और तुरंत तो उसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो डिवाइड नहीं हुआ वो इंटेंसिव हो गया, तो आपने बोला काइनेटिक एनर्जी, भैया डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड सर जी आप इसको आइडियल इक्वेशन से बना दीजिए, इसको हाँ पिछले वाले को, तो पिछला वाला आइडियल इक्वेशन से ही तो बना था, पिछला वाला आइडियल इक्वेशन से ही तो बनाया, ये देखो पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये आइडियल इक्वेशन ही तो लिया था, है कि नहीं, 24 कैसे 24 क्या हो गया, अच्छा 24 नहीं देखो 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 ध्यान से देखो 24 डी 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 कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ध्यान से देखो, हमने बोला इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये काला पेन कहाँ से आ गया, वेयर आपने बोला इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोला था, हमने क्या किया इस केबिन को क्या कर दिया, इस कंटेनर को दो भागों में बांट दिया, जो बट गया वो आपका एक्सटेंसिव, जो नहीं बटा वो आपका इंटेंसिव, तो काइनेटिक एनर्जी, अरे ये तो साफ साफ होता है एम बी स्क्वायर बाई टू, ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या है एक्सटेंसिव, ठीक है ना, तो ये आप गलत हो गए, स्पेसिफिक, अरे स्पेसिफिक लग गया, सोचना ही क्या है, ये आपका इंटेंसिव, प्रेशर देखो डिवाइड कर दिया बटा ही नहीं, इंटेंसिव, इन एंट्रोपी, एंट्रोपी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक एंट्रोपी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सो दैट यहाँ पे दो तीन सही है, दो तीन बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, प्रदीप यादव यस योर आंसर इज करेक्ट, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सुधांशु जैन वाई लास्ट पार्ट सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो, देखो इंटेंसिव एक्सटेंसिव, देखो इंटेंसिव एक्सटेंसिव लग जरूर रहा है कि आपको आसान है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन आने के एग्जाम में, ठीक है ना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गलती ना हो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है ये, आप कंटेनर को लेकर तुरंत दो भागों में बांट दें, और जो बट गया वो एक्सटेंसिव, जो नहीं बटा वो इंटेंसिव,
मतलब जो इंडिपेंडेंट है बांटने से, डिवाइड करने के बाद भी जो इंडिपेंडेंट है वो इंटेंसिव, मतलब वैसे तो आपको याद होगा बस लिखे दे रहे हैं इंडिपेंडेंट क्या है आपका इंटेंसिव, इंटेंसिव ठीक है ना, क्लियर है ये आपका क्या है इंटेंसिव। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, आगे चलें। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ईएससी 2002, इसको हम थोड़ा सा बता देंगे कि कैसे करना है, वैसे आपको पता होगा। ये आपने बोला है हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्ट ड्यूरिंग अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आपने पूछा है हीट रिजेक्शन, तो हीट रिजेक्शन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो डब्ल्यू होता है पहले तो वो लिख लो, वो होता है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन एन माइनस वन। फिर आपका डी क्यू निकालना है हीट एब्जॉर्ब, तो आपने बोला जो क्यू इज इक्वल टू होता है वो होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है ना डी, तो आपका जो क्यू आ जाएगा ये डी यू क्या होता है, ये होता है एम, एम आपको स्पेसिफिक कर दिया तो आपका हो गया सी वी, या एम लिख लो एम सी वी टी टू माइनस टी वन, ओके प्लस आपका हो जाएगा ये डी डब्ल्यू जो भी है डब्ल्यू। आपने लिखा एम की वैल्यू क्या रख दो, एम ये सी वी की वैल्यू क्या हो जाती है आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी टू की वैल्यू क्या रख दो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन प्लस इसकी वैल्यू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन, ये आपका इक्वेशन आ गया। एम आर सॉरी एम रुको रुको रुको, आपने क्या किया अभी से लिख दिया क्या, अभी मत लिखो अभी, तो आपका पी टू वी टू कैसे लिख गया भाई, अभी पी टू वी टू कैसे लिख दिया आप, अभी टेम्परेचर लिखो, हम लिखे थे यार ये लो। अब देखो अंदर एम आर से मल्टीप्लाई करोगे तो एम आर टी टू माइनस एम आर टी वन, तो ये क्या हो जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ये कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा आपका वन अपॉन गामा माइनस वन माइनस प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। रिमेंबर दिस पॉइंट, हमने पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन लिया है, तो आप क्या कर दो आप पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू लिखो, क्यों, क्योंकि ये आपका पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू ही तो डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ माइनस वैल्यू आ गई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन, इसको रखो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे यही वैल्यू आएगी ठीक है ना, इंटू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू इंटू एन माइनस वन, ठीक है ना। आप इन दोनों कॉमन ले लो, तो इन दोनों कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर गामा माइनस वन अपॉन नीचे गामा माइनस वन और एन माइनस वन, ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या हो रही है डब्ल्यू हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया डब्ल्यू हो गया, तो ये वैल्यू डब्ल्यू हो गया, तो ये कॉन्स्टेंट वाले देखो गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन, गामा माइनस एन की पावर गलत, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन गलत, गामा माइनस एन और गामा माइनस एन वर्ड डब्ल्यू, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। प्रदीप यादव बिल्कुल सही सर, सब पढ़ लिया पर भूल गया हूँ इसलिए टेस्ट में कम आ रहा है, सब पढ़ नहीं लिया है, सब जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया है ठीक है ना, आपको अब रिवाइज करना पड़ेगा, क्लियर है, रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा और कॉन्सेप्चुअली करना पड़ेगा, जैसे नहीं बचपन में करते थे जैसी हेडिंग आई है, हेडिंग के नीचे जितना ही पार्ट होता था उसमें हाथ रख के फिर बड़बड़ाते रहते थे कि हेडिंग के नीचे क्या लिखा है, तो ऐसे ही आपको पूरा याद होना चाहिए। जैसे ही आपने लॉ देखा तो आपको तुरंत पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ये होता है, सेकंड लॉ ये होता है, थर्ड लॉ होता है, इनका सिग्निफिकेंस ये होता है, इनका मतलब ये होता है, इफिशियंसी इसकी याद होती है, कार्नट थ्योरम ये होता है, प्रॉपर्टीज ये होता है, फिर इसमें इतने प्रोसेस आते हैं, सबका वर्क डन ये होता है, ऐसे सब कुछ याद होना चाहिए ठीक है ना। और ख़ास तौर से देखो जो भी आप चीज़ें निकाल रहे हैं उनके क्लॉज जरूर पता होने चाहिए, जैसे कि हमने बोला कि ये जो हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, पॉलीट्रॉपिक के लिए हो रहा है ठीक है ना, और अगर हम बात करेंगे तो आइडियल गैस के लिए हो रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है, सो दैट सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन, देखो ये आया तो खैर पहले है, गेट 1999 में आया, चलो 20 साल तो होगा कम से कम, दो नंबर का आया हुआ था, कोई बात नहीं। इन्होंने पूछा था एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, 20 साल पहले आइसोलेटेड की डेफिनेशन अलग थोड़ा थी, सेम थी, तो पढ़ो। एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, नो हीट इज ट्रांसफर आइसोलेटेड सिस्टम, सही है, नो वर्क इज ट्रांसफर, सही है, नो मास
फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, सही है। नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द सिस्टम, भैया विद इन द सिस्टम कुछ भी करो हमें क्या मतलब, तुम्हारा घर के अंदर क्या चल रहा है मामला हमें क्या मतलब, बाहर से ना कोई अंदर आना चाहिए, जैसे नहीं लैंडलॉर्ड होते हैं मकान वाले, कोई बाहर से अंदर नहीं आया, कोई अंदर से बाहर नहीं जाएगा, वैसे ही टाइप का आपने अंदर कुछ भी करो, अंदर क्या करना है। सो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा ए बी और सी। अब सोचो आपको टिक कैसे मानना था, तो 99 में मानना था ना, अभी थोड़ा मानना है, यहाँ पे वैसे भी उन्होंने बोल रखा है स्टेटमेंट्स, है ना, ए बी सी बिल्कुल सही आंसर। किसने 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 सही दिया, कामले कामले सी पार्ट, वाई ओनली सी पार्ट, ए बी इज ऑल्सो करेक्ट कामले, ए बी एंड सी ऑल थ्री पार्ट्स आर करेक्ट। ओके नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, ये दोबारा आया क्या, दोबारा आया क्या, नहीं दोबारा नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन में जरूर दो, एग्जाम में जरूर दोबारा आया, कब आया 2007 2010 दोबारा आया। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कंटेनर बनाओ सबसे पहले और उसको क्या कर दो डिवाइड कर दो। काइनेटिक एनर्जी अरे मास है भाई एक्सटेंसिव, एंट्रोपी एक्सटेंसिव, थर्मल कंडक्टिविटी इंटेंसिव, प्रेशर इंटेंसिव। अब पूछो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तीन चार, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सी 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 यस, सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके सो टूडेज लेक्चर इज ओवर, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आपके बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और आपके जीरो क्लास से रिलेटेड वो हमने आज करा दिए हैं। ओके सो लेट्स क्रैक गेट एंड एसी एग्जाम विद दिस प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब अवर चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज हिट द बेल आइकन बटन फॉर फ्रिक्वेंटली नोटिफिकेशन। और इसी वीडियो के नीचे आपको आपको टेलीग्राम ग्रुप, अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, तो आप लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है देन प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें, हम आपको वहाँ रिप्लाई करेंगे। ओके और आपको इसी वीडियोस के नीचे आपको मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल मिलेगा, सो फॉलो मी एंड वहाँ पे HMT का कोर्स आपको मॉर्निंग में डेली 8 AM पे, सुबह 8 बजे अगर आप समय से उठ जाते हैं, सूर्योदय के पहले वाले बच्चे हैं तो सुबह 8 बजे आप अनअकैडमी का में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप HMT का वीडियो सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट नोटिस, कल सुबह 11 बजे फ्री यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस है ऑन एंट्रोपी, वहाँ पे हम स्पेशल क्वेश्चन भी कराएंगे, स्पेशल क्वेश्चन गेट एंड ESC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी कराएंगे। ओके और कॉन्सेप्ट हम सारे डिस्कस करेंगे, सर करेंगे सर ESC का प्रीवियस ईयर कैसे लगाएं, पहले नोट्स या पहले पेपर, पहले नोट्स, पहले सबसे पहले नोट्स प्रदीप, सबसे पहले नोट्स होना चाहिए, तब आप क्या करेंगे आप की प्रिपरेशन, एक्चुअली क्या ना जैसे ही आप कुछ क्वेश्चन पेपर लगाएंगे कुछ आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, कुछ भूलेगा, कुछ लिखना होगा, तो नोट्स है ना, तो रेफरेंस पहले रखो आप, रेफरेंस रखने के बाद। सेंजल का बुक कैसा है, सेंजल का बुक अच्छा है, लेकिन सेंजल के बुक में ना आप सेंजल के बुक में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, सो दैट अगर आपके पास समय कम है और आप ऑप्टिमाइज चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, इफेक्टिवली एग्जाम को मतलब प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो दैट आप उसके न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेंजल के दम पे आपको समय बहुत देना पड़ेगा, ठीक है ना। और सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जब आपका टेम्परेचर सेम हो, और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब जब आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करे और केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। अगर कोई सिस्टम सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन है और केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तो प्रदीप ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन अगर सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन है वो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, जिसमें फोर्सेस बैलेंस है वो आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, जिसमें आपका केमिकल कंसंट्रेशन बैलेंस है वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। एक बार तो पढ़ लिया, अब रिविजन करने में दिन में समझो, देखो एक बार कर लिया है तो फिर आप प्रैक्टिस सेशन अटेंड करो और जो भी आपको दिक्कत आती है वो वापस आप उसी नोट्स पे जाके मेंशन करते रहो, ठीक है ना।
और अगर आपको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का ले सकते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप वहाँ लाइव सेशन अटेंड करें एजुकेटर्स के, और वहाँ पे सारे डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं प्रॉपर वे में, ठीक है ना, प्रॉपर वे में, क्योंकि वहाँ पर तो कैसे सारे सब्जेक्ट कम्प्लीट कराया जाएगा, फुल सिलेबस, ठीक है। सो आई थिंक, थैंक यू सो मच, थैंक टू ऑल ऑफ यू।